माउस गाओ दराज, स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ है, ठीक है जी सर। चैलेंज जो ये टॉपिक दिया गया मेरे को वो है आपका कंप्यूटर एप्रिसिएशन, हिंदी में इसको कहते हैं कंप्यूटर के महत्व को समझना, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या चीज है वो हम बताते हैं। सबसे पहले आपको देखें कंप्यूटर को कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये जो हमने किया है देखिये स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज कंप्यूटर। चलो पहले ट्रेनिंग आप बताइए कुछ, कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ओके। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। हाँ जी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग काम के लिए यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक तरह का गणना का काम करता है सर, एक तरह का कैलकुलेशन करता है सर। ओके, सर सिंपली ह्यूमन वर्क को रिड्यूस करता है, ह्यूमन पावर को, हमारी वर्क पावर को रिड्यूस करता है, हमें वर्क पावर को रिड्यूस कर देता है सर। वर्क पावर कंप्यूटर मतलब एक तरह से हमारी गलत बात है, हमारे वर्क पावर को, वर्क पावर सर, वर्क पावर व्हिच इज जीरो, व्हिच हैव हाई कैलकुलेशन स्पीड बट जीरो आईक्यू। हां मतलब सर ये कह रहा है मेहनत कम कर देता है वो कैलकुलेशन की सारी, तो मेहनत कम कर देता है। मैं कहना चाहता था वर्क पावर सर गलत वर्ड यूज हो गया। अच्छा, चलो ठीक है, देखिए सबने जो बताया सब ठीक है, ठीक है, सभी ठीक है, संसार में कोई गलत नहीं है, ठीक है। देखिए जो देखिए स्क्रीन पे लिखा है वो पढ़ देता पहले। देखिए इसके अलावा देखिए आजकल डिजिटल कंप्यूटर का जमाना है, ओनली डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है। ए डिजिटल कंप्यूटर इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल मशीन, यानी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह लीजिए, ठीक है, दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इट्स मेमोरी, एक्सेप्ट्स बाइनरी डाटा एज इनपुट एंड प्रोसेसेस डाटा अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शंस and provides results as output, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो पहली बात है कि जो आपका कंप्यूटर वो क्या मल्टीपर्पज है, यानी इससे आप कई प्रकार के काम ले सकते हैं, और ये क्या प्रोग्रामेबल, आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो, जैसे आपको काम लेना उसके हिसाब से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो। तो इसके अलावा ये क्या है, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या काम करता है, बाइनरी इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, ठीक है। कहाँ से पढ़ता है, ये मेमोरी, इसके मेमोरी में क्या लिखा होगा, बाइनरी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। बाइनरी इंस्ट्रक्शंस किसके बारे में लिखी होती है, कि जो आपने इससे काम लेना है, ठीक है, उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, ठीक है। और ये क्या काम करेगा, एसेट से बाइनरी डाटा एज इनपुट, जो इनपुट में जो इंफॉर्मेशन आप डाटा दोगे वो बाइनरी फॉर्म में दोगे, ये इनपुट जो डिवाइस होगी उसे एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद उसको जो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस जो करेगा वो कैसे करेगा, अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शंस, जो आपके मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन लिखी है उस पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है, ऑपरेशन के लिए, उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार ये प्रोसेस करेगा, ठीक है, और उसके बाद जो रिजल्ट है वो आउटपुट को दे देगा, एंड प्रोवाइड्स रिजल्ट एज आउटपुट। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कार्ड हार्डवेयर, इसके अलावा जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, देखिए ट्रेनिंग आज हम केवल आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताएंगे, ठीक है, और जो अगली क्लास है वो सीधा हम आपको डायरेक्ट जैसे एमएस वर्ड है आपका, एमएस एक्सेल वगैरह, उसके बारे में बताएंगे कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे काम लेना है, ठीक है। द हार्डवेयर, अच्छा क्या, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर का हार्डवेयर, वो चीजें जिनको हम कंप्यूटर की वो चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, आपके हार्डवेयर। इसके अलावा ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटर्न, ये रिटर्न वाला रिटर्न नहीं है, ये रिटर्न मैंने लिखा हुआ, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। For the computer to perform a task is called a program. किसी एक पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए जो हम दिशा निर्देश देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन का सेट देते हैं, ठीक है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। और कई सारे प्रोग्रामों का जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर
क्या चीज है ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, हमारे हिसाब से ये भी सही है, आपने बताया वो भी सही है। इसके अलावा जो यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं, बाइनरी शब्द आ गया, प्रोग्रामेबल, मेमोरी, इसके बारे में हल्का सा हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा टेंस अगेन हम बता रहे हैं, कोई चीज डाउट हो ठीक है तो आप पूछ लेना, या आपके पास कोई जानकारी हो वो आप हमें भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, बाइनरी। तो जो कंप्यूटर है वो किस भाषा को समझता है, वो समझता है बाइनरी की भाषा को। और बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी, बाइनरी का मतलब, बाइनरी के अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब है क्या, बाइनरी की फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट है, या बाइनरी का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी की फुल फॉर्म कौन बताएगा, बाई मतलब सर दो, जो दो डिजिट से बने जीरो, हाँ ठीक है, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, फुल फॉर्म किसकी है, बिट की, जो बिट है आपका, बिट जो बिट है, बिट की जो फुल फॉर्म है वो है बाइनरी डिजिट। बिट की जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, बिट, बिट का मतलब बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट में केवल दो ही डिजिट होते हैं, या तो जीरो होगा या फिर वन होगा, ठीक है। और जो आपका कंप्यूटर है वो इसी भाषा को समझता है, जीरो या वन की भाषा को, या बाइनरी की जो लैंग्वेज है उसी को ये समझता है। इसके अलावा दिस डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इन द मशीन। जो ये मशीन है आपका कंप्यूटर में, जो वन या जीरो को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के द्वारा। नॉर्मली क्या होता है इसमें क्या कि जो आपका जो सिग्नल होगा इसमें वोल्टेज के केवल दो लेवल होंगे, ठीक है, एक लेवल जीरो को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा क्या करेगा, वन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर एक ही भाषा जानता है, वो क्या आपका, बाइनरी की भाषा, सिंपल भाषा, सस्ती भाषा, बढ़िया भाषा, ठीक है। आगे चलते हैं, अच्छा इसके अलावा एक शब्द आया था यहाँ पे प्रोग्रामेबल, ठीक है, माइक बंद कर दीजिए सभी, ओके। देखिए एग्जाम्पल देखिए, माइक सभी टेनिस माइक बंद कर दीजिए अपना, गौरव पांडे माइक ऑफ करो। देखिए प्रोग्रामेबल का क्या मतलब है, द कंप्यूटर इज प्रोग्रामेबल। जो कंप्यूटर है हमने क्या बताया कि शुरू में प्रोग्रामेबल, आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो, दैट इज इट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म टास्क विद इन इट्स कैपेबिलिटी। आप इसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए जो इसकी कैपेबिलिटी के अंदर है, जो इसकी क्षमता के अंदर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए सीधी सी बात है, हर चीज की कैपेसिटी कैपेबिलिटी होती है, जैसे मेरी एक कैपेबिलिटी है, आप अगर मेरे से जो काम करवाओगे, अगर मेरी जो कैपेबिलिटी है उसी के जो मेरी क्षमता है उसी के हिसाब से अगर काम करवाओगे तो आउटपुट क्या मिलेगी आपके, आपको बढ़िया मिलेगी। लेकिन जो मेरी क्षमता नहीं है, जो कैपेबिलिटी नहीं है, अगर उससे ज्यादा काम कराओगे, ठीक है, तो वो काम सही नहीं होगा, या थोड़ा सा होगा, प्रॉपर नहीं होगा, कुल मिला के बढ़िया काम नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे मैं बता रहा हूँ कि किसी भी किसी से भी अगर आप काम करवाते हो, ठीक है, मान लेते हैं आपके अंदर खलासी है, या आप मान लेते हैं जेई हो, जेई आपके अंदर कई सारे स्टाफ हैं, तो आपको जो काम देना है, ठीक है, वो उसकी क्षमता के अनुसार ही देना है कि आप ये क्या कर सकता है। आप सोचो कि वो मेरे जैसा है, जो मैं सारे काम कर सकता हूँ वो भी कर सकता है, ऐसा नहीं होता, हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, तो जो जिसकी कैपेबिलिटी है उसी के हिसाब से उसको काम देना चाहिए, ठीक है, ताकि आउटपुट आपके बढ़िया मिले। खैर आगे चलते हैं, ये तो वैसी बात हो गई थी। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोग्रामेबल का मतलब, जैसे एक टोस्टर होता है आपका, टोस्टर बनाते हैं ना घरों में, ठीक है, तो जो नॉर्मली जो टोस्टर है उसमें क्या होता है कि दो सेटिंग होती है, एक लाइट और डार्क, लाइट एंड डार्क। अगर लाइट पे रखोगे तो कम सीखेगा, और डार्क पे कर दोगे तो ज्यादा सीखेगा, ज्यादा, ठीक है। तो जो ये टोस्टर है, जो ये किस लिए डिजाइन किया गया है, अगर इसका देखा जाए तो एक सिंपल मशीन है, प्रोग्रामेबल मशीन है, और इसको किस लिए डिजाइन किया गया है कि ये केवल एक ही इंस्ट्रक्शन को समझ सकता है, या तो लाइट या फिर डार्क। अच्छा दोनों टेनिस, हम आपसे एक बात करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। टोस्टर कैन बी सिटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोग्रामेबल मशीन। इट कैन बी प्रोग्राम टू रिमेन ऑन फॉर ए गिवन टाइम पीरियड बाय एडजस्टिंग द सेटिंग टू लाइट और डार्क। नॉर्मली क्या करता है इसमें, हम क्या करते हैं, टाइम की कितने समय के लिए ऑन रहेगा, कितने समय के लिए
ऑन रहेगा, ये हम सेटिंग कर देते हैं। कम अगर टाइम के लिए ऑन रहेगा, ठीक है, तो ये किस पे, अगर लाइट पे अगर हम रखते हैं इसको, इसका जो लीवर होगा, मैकेनिकल स्विच होगा जो भी है, तो अगर उसको लाइट पे रखेंगे तो थोड़े समय के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। अगर उसको हम डार्क पे रखते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा समय के लिए ऑन रहेगा और उसके बाद ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो द टोस्टर इज डिजाइन्ड टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू ए मैकेनिकल लीवर। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है, टोस्टर इज डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू ए मैकेनिकल लीवर। क्या आप इस बात से सहमत है कि जो आपका ये टोस्टर है, ये क्या केवल सेक्शन वन इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड कर सकता है क्या? टेनिस आप बताइए, जो शब्द है ना वन इंस्ट्रक्शन, केवल एक इंस्ट्रक्शन को समझ सकता है या ज्यादा इंस्ट्रक्शन को समझ सकता है, बताइए। टेनिस आप बताइए, दो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मतलब या तो ऑन या ऑफ। नहीं, ऑन या ऑफ, या ऑन ऑफ नहीं है, यहां पे सेट हो, लाइट या डार्क, वन सेट हो गया, तो वन होना चाहिए था सर, मैंने अपना इंस्ट्रक्शन को सर। तो देखिए, इसमें जो मैंने उतारा था कहीं से, जो भी उतारा है इसको, लेकिन जब यहाँ पे एक शब्द आया ना, ये कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शंस गिवन थ्रू ए मैकेनिकल लीवर, ये मेघा से एक इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ सकता, ये दो इंस्ट्रक्शन को समझ सकता है। कौन से इंस्ट्रक्शन है आपके? दो वंस सर, वंस होना चाहिए, अपना इंस्ट्रक्शन, वंस इंस्ट्रक्शन, अपने जो इंस्ट्रक्शन है वन। नहीं नहीं, बताइए ना, वंस एक होता है ना सर, अपना के लिए यूज होता है ना सर, वंस, ओके, उसी के लिए शायद यहाँ पे लिखा हुआ है सर, वंस इंस्ट्रक्शन, मैंने अपना इंस्ट्रक्शन समझने की। नहीं 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 नहीं, द टोस्टर इज डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शंस गिवन थ्रू ए मैकेनिकल लीवर। मैकेनिकल लीवर के द्वारा, अच्छा अच्छा मैकेनिकल लीवर के द्वारा जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जैसे हमने लाइट पे रखा तो ये केवल उसको लाइट को ही समझेगा, अगर उसको डार्क पे रख दिया तो केवल डार्क को समझेगा, आप ऐसे मान के चल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा देखें, इसके अलावा क्या है कि जो कंप्यूटर है, वन ऑफ द प्राइमरी डिफरेंस दैट जो कंप्यूटर है, द ओनली वन फंक्शन एंड दैट द फंक्शन कैन नॉट बी चेंज। इसके अलावा जो जैसे टोस्टर है, आप इसका जो फंक्शन है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। On the other hand, the person using a computer can select appropriate instructions and ask the computer to perform various tasks on a given set of data. लेकिन जो computer है उससे आप कई प्रकार के काम ले सकते हो, जैसे आप अगर आपने properly उसको instruction दे दिए तो आप उससे कई प्रकार के काम ले सकते हो मोटा मोटा, ठीक है ना। The designers who design toaster determines the timing for light and dark toast. And manufacturer of the toaster provides the necessary instruction to operate the toaster. ठीक है, वो तो क्या है? Similarly, the design engineer of a computer determines a set of tasks the computer should perform. तो normally जो computer को जो design कर रहा है, तो normally जब वो designing करता है, तो वो set कर लेता है कि जो ये computer है, कौन-कौन से instructions को ये समझ सकता है, ठीक है? कौन-कौन से instructions को समझ करके उसको perform कर सकता है? And design the necessary logic circuit. और उसके लिए क्या करता है, जो necessary जो logic circuit है उसके हिसाब से यानी computer को वो design करेगा। The manufacturer of the computer provides the user with a list of instructions the computer will understand. ठीक है, इसके अलावा क्या है कि वो एक instruction set भी देगा। देखिए normally एक अलग कहानी है, ठीक है, कि computer ये क्या क्या समझ सकता है, क्या क्या instruction को समझ सकता है। Normally देखिए जो भी computer को design करेगा वो क्या करेगा, पहले से सेट करेगा कि जो ये कंप्यूटर है किन किन इंस्ट्रक्शंस को समझ सकता है, ठीक है। हालांकि ये लो लेवल की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जो अलग है थोड़ा इसका, लेकिन टिपिकली एन इंस्ट्रक्शंस फॉर एडिंग टू नंबर्स मे लुक लाइक ए ग्रुप ऑफ एट बाइनरी डिजिट सच एज, हो गया फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका दो शब्दों को, दो डिजिट्स को अगर ऐड करनी है, ऐड करने के जो इंस्ट्रक्शन है, ऐड करने के जो इंस्ट्रक्शन है वो उस तरह के 100 कुछ इस तरह के हो, ठीक है। So these instructions are simply a pattern of 0 and 1s. Now the question is, where does one write those instructions and data? So normally क्या है कि आपका जो कंप्यूटर है वो प्रोग्रामेबल है, आप उसको इंस्ट्रक्शन देके उसकी कैपेबिलिटी के अंदर उससे कई प्रकार के काम ले सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोग्राम है या फिर आप जो इसको इनपुट में जो डाटा देते हो वो कहाँ लिखा होता है, नॉर्मली वो लिखा होता है मेमोरी के अंदर, जो भी
डाटा आप इसके इनपुट में दोगे जिसकी उसने प्रोसेसिंग करनी है और आपको आउटपुट देना है, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके हिसाब से उसने उस डाटा को प्रोसेस करना है, ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती है आपकी मेमोरी के अंदर। अच्छा देखिए, जो मेमोरी मेमोरी इज लाइक द पेज ऑफ ए नोटबुक विद स्पेस फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइनरी नंबर्स ऑन द ईच लाइन। जो मेमोरी का आप ऐसा मान के चलिए, सिंपल एक कॉपी का पेज नहीं होता आपका, कॉपी का पेज मान के चलिए, और कॉपी के पेज में क्या होता है कई सारी लाइनें होती हैं, और ये मान के चलिए हर लाइन में क्या होता है आपका कुछ बाइनरी के बिट्स हम उसमें लिख सकते हैं। हाउएवर दीज पेजेस आर जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, लेकिन नॉर्मली जो हमारा रजिस्टर है उसका जो पेज है वो किसका बना होता है, कागज का बना होता है, और यहाँ पे जो आपके जो ये पेज है ये किस चीज का बना हुआ है, पेजेस आर मेड ऑफ दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल के बना होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ईच ईच हैज स्पेस फॉर एट बाइनरी बिट्स। नॉर्मली क्या होता है, एट जो बाइनरी, देखिए आजकल तो ज्यादा है देखें, लेकिन नॉर्मली जो सबसे एक छोटी यूनिट है जो, ठीक है, जो आपका जो रजिस्टर है जो मेमोरी का जो एक लाइन का जो स्पेस है वो क्या है आपका 8 बिट का। अच्छा, इसके अलावा क्या है, दीज रजिस्टर्स आर ऑलवेज ग्रुप्ड, देखिए रनिंग आउट ऑफ दिस मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट्स, अपग्रेड नाउ टू रिमूव द 40 मिनट्स टाइम लिमिट, लेकिन अभी तो ऑन किया था हमने। अच्छा, इसके अलावा जो मेमोरी होती है आपके मेमोरी दिस रजिस्टर आर ऑलवेज ग्रुप टुगेदर इन पावर्स ऑफ 2, क्योंकि पावर में आते हैं यहाँ पे। माउस गड़बड़ कर रहा है कुछ, हाँ ठीक है। तो नॉर्मली जो भी मेमोरी आएगी वो किसके रेंज में होता है, 2 की पावर होती है, 2 की पावर जैसे 10 है, 2 की पावर 10 किसके बराबर हो जाएगा आपका 1024, ठीक है। इतने क्या होंगे आपके, आप ऐसे मान लीजिए कॉपी की लाइन है, इतने इसमें रजिस्टर है उसमें इतनी लाइनें होंगी 1024, और हर लाइन में कितने होंगे आपकी 8 बिट होंगे, ठीक है। तो इसका नॉर्मली हम क्या करते हैं 1KB कहते हैं। इसके अलावा इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अच्छा, द यूजर राइट द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन मेमोरी एंड आस्क द कंप्यूटर टू परफॉर्म द गिवन टास्क एंड फाइंड एन आंसर। तो नॉर्मली जो इंस्ट्रक्शन है वो भी मेमोरी के अंदर लिखे होंगे, जो आप डाटा इनपुट में दोगे वो भी मेमोरी के अंदर लिखा होगा। अच्छा, इसके अलावा क्या कि जो इसके इनपुट में जो हम डाटा देते हैं और जो प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट निकलती है वो कहाँ निकलती है, कहाँ आपको मिलेगी, द आंसर इज द इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट डिवाइस होंगी और जो आउटपुट डिवाइस होंगे उसके द्वारा आप जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के इनपुट में आप डाटा दोगे, जो डाटा कहाँ जाएगा वो मेमोरी के अंदर जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ जाएगा आपका, आउटपुट डिवाइस में जाएगा, ठीक है। इनपुट ऑब्लिक आउटपुट, द यूजर कैन एंटर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन मेमोरी थ्रू सच डिवाइस एज ए कीबोर्ड और माउस, ठीक है। तो कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया, और भी कई प्रकार के डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा ये जो आपका यूजर है, ठीक है, वो आप कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो या जो भी आपने डाटा फीड करना है वो आप इसके द्वारा इनपुट डिवाइस के द्वारा कर सकते हो। द कंप्यूटर रीड्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी and processes the data according to those instructions, already bata chuke hain. The result can be displayed in several ways such as computer monitor, aur jo processing ke baad jo data aayega, output aayega, result aayega, wo aap kaise display kar sakte ho, output mein kya hai, output device jaise aapka computer ka monitor ho gaya, 7-segment LED ho gayi, ya fir printed by a printer ya printer ho gaya, ye kya aapke output device, theek hai, jisse aapko result, जिसके द्वारा आपको रिजल्ट दिया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा वो क्या है, कहलाएंगे आपके आउटपुट डिवाइस। अच्छा, इसके अलावा क्या कि दिस स्टिल डज नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वेयर द कंप्यूटर प्रोसेस डाटा, लेकिन इसके इतना सब जानने के बाद भी आपको ये पता नहीं पता चलता
कि जो कंप्यूटर वो आपके डाटा को कैसे प्रोसेस करता है। इट प्रोसेसेस डाटा बाय यूजिंग द ग्रुप ऑफ लॉजिक सर्किट्स कॉल्ड इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो डाटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है? सीपीयू में। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल एक सर्किट है, लॉजिकल सर्किट वगैरह होते हैं, इसी में सब काम होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ वेरियस रजिस्टर्स टू स्टोर डाटा। नॉर्मली जो सीपीयू है आपका, सीपीयू के अंदर भी क्या होंगे, एक प्रकार के रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, एक मेमोरी डिवाइस है आपका, इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है टू स्टोर डाटा। द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन रिकॉर्डर काउंटर्स एंड कंट्रोल लाइंस। जो आपका इसमें क्या होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होते हैं, किसके लिए होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, किसके लिए होता है, टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस क्या है, वो आपका आएगा अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे जमा करना है, घटा करना है, इस तरह के जो ऑपरेशन है आपका, वो अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे आपके। लॉजिकल ऑपरेशन एंड और ये इस तरह के जो ऑपरेशन होंगे वो, और इसके अलावा इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के लिए काउंटर एंड कंट्रोल लाइन्स। द सीपीयू रीड्स, सीपीयू करेगा क्या, देखें सीपीयू रीड्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, ऑलरेडी बताया जा चुका है, जो सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा एंड परफॉर्म द टास्क स्पेसिफाइड। और जो आपको जो टास्क, इसको टास्क दिया गया है, पर्टिकुलर जो टास्क दिया गया है उसका ये परफॉर्म करेगा। जैसे अगर एडिशन का कहा है तो एडिशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लिकेशन, जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके हिसाब से ये परफॉर्म करेगा। द सीपीयू कम्युनिकेशन विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू एक्सेप्ट और टू सेंड डाटा। जो सीपीयू है वो क्या करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो क्या करेगी, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों के साथ कम्युनिकेशन करेगी। ठीक है, कम्युनिकेशन करेगी ताकि आपको जो डाटा है उसको एक्सेप्ट किया जा सके या डाटा को आउटपुट डिवाइस में सेंड किया जा सके। द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर आल्सो नोन एज पेरिफेरल। जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं इसको हम कहते हैं पेरिफेरल्स कहते हैं। कई बार क्या होता है, जो मेमोरी है उसको भी हम पेरिफेरल डिवाइसेस में काउंट कर लेते हैं। द सीपीयू हु इज द प्राइमरी एंड सेंट्रल प्लेयर इन द कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिंग विद द वेरियस डिवाइसेस सच एज ए मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट आउटपुट। However, the timing of the communication process is controlled by the group of circuits called the control circuit. और जो भी ये processing करेगा, ठीक है, उसको control करने के लिए, ठीक है, वो क्या होगा, इसके लिए क्या चाहिए होगी, आपकी control unit होती है। जो CPU है, अगर CPU में देखा जाए तो automatic and logic unit होगा, registers होंगे और आपका control units होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जैसे अगर ये देखा जाता है, एक सिंपल माइक्रो कंप्यूटर का, जो आपको जो डायग्राम में देख रहे हैं, सिंपल माइक्रो कंप्यूटर में देखिए, एक दिखा रखा है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, ALU है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यहाँ पे अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन होते हैं आपके, जमा घटा या लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब एंडिंग और जो भी है। इसके अलावा रजिस्टर्स आ रहे, इसके अलावा कंट्रोल सर्किट होगा आपका। ये कंट्रोल सर्किट क्या है कि कब क्या करना है, ठीक है, इन्हें जो फंक्शन जो भी प्रोसेसिंग होगी उसको कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, इसके अलावा ये क्या मेमोरी, और ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर कह लीजिए, सीपीयू कह लीजिए, ये क्या करेगा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और रैम मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करेगा। इसके द्वारा करेगा आपका ये कॉमन जो बसेस है आपका, ये इसके द्वारा ये कम्युनिकेट करता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या है। फिगर शोज ए सिंप्लीफाइड बट फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर। इट इंक्लूड्स फोर कंपोनेंट्स, एक माइक्रो प्रोसेसर है, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। ठीक है, दिस, अच्छा, मेमोरी में भी रीडर ऑब्लिक राइट मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, एक रैम होगी। अच्छा, हाँ, मेमोरी में इधर है एक रैम और एक आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनाइज अराउंड ए कॉमन कम्युनिकेशन पाथ कॉल्ड ए बस। The entire group of components is called a system or a microcomputer system. ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक तरह से कंप्यूटर सा हो गया, एक कंप्यूटर। While the components are called subsystem. बाकी ये कंप्यूटर पूरा का पूरा तो क्या हो गया, सिस्टम हो गया, या माइक्रो कंप्यूटर कह लीजिए या बाकी क्या आपका सब सिस्टम कहलाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
थोड़ा सा देखिए फास्ट ही करते हैं ऑलरेडी आप थोड़ा सा जानते ही हो ठीक है। अतः मैंने एलोजी यूनिट ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं इन दिस एरिया ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटिंग फंक्शन आर परफॉर्म ऑन डाटा डाटा उस पर जो कंप्यूटिंग फंक्शन है वो परफॉर्म किए जाएंगे पढ़ेंगे तो उसमें बता जाएगा कि एंड का क्या मतलब है और का क्या मतलब है और एक्सक्लूसिव और या जो भी है और के प्रकार लॉजिक उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। एंड फंक्शन में अगर देखा जाए तो जब आप पढ़ेंगे तो आपके जो डिजिटल सर्किट होते हैं आपके जैसे एंड गेट है मान लेते हैं एंड गेट में क्या होता है दो या दो से ज्यादा इनपुट होती है लेकिन आउटपुट एक ही होती है लेकिन आउटपुट हाई कब होगी देखिए डिजिटल सर्किट है तो इसके इनपुट में जो इन्फॉर्मेशन दोगे वो बाइनरी होगा या तो जीरो होगा या वन होगा तो एंड गेट के इनपुट में जब सभी इनपुट हाई होती है ठीक है तो आउटपुट में हाई मिलेगी नहीं तो जीरो मिलेगी ठीक है। इसके बारे में आप शायद डिजिटल ऐप में पढ़ेंगे The results are stored either in register or in memory or sent to output device. जो result है इसके बाद वो काम ठीक है टेनिस अर्थमैंड लॉजिक यूनिट होता आपका आपने पिछले वाले पिछले जो आपका डायग्राम था इसमें देखा था आपने तो माइक्रो कंप्यूटर में अरे भैया जो ये डायग्राम देखा था पीछे ठीक है माइक्रो प्रोसेसर में क्या देता है एलयू रजिस्टर एरे ये था आपका और आपका कंट्रोल कंट्रोल सर्किट था आपका। अरे यार ये माउस गड़बड़ कर रहा है हमारा तो जी सर रजिस्टर यूनिट नहीं तो माइक्रो प्रोसेसर था उसमें जो हाँ जी हाँ जी जो रजिस्टर यूनिट था इसमें क्या देखिए क्या दिस एरिया ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द वेरियस रजिस्टर्स रजिस्टर मतलब मेमोरी ठीक है। The registers are used primarily to store data temporarily during the execution of a program. इसे particular program का execution करने के लिए ठीक है जो आपका जो information जो store की जाती है वो register में की जाती है microprocessor के register में ठीक है। इसके अलावा देखिए control unit है the control unit provides the necessary timing and control signals to all the operations in the microcomputer. microcomputer में जो भी operations होंगे उनके लिए properly जो timing information है यानी कब कौन सा operation होना है ठीक है उसके लिए जो सिग्नल प्रोवाइड करेगा वो कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड करता है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स। इसके अलावा ये क्या काम करता है जो डाटा का जो फ्लो हो रहा है आपका माइक्रोप्रोसेसर से इनपुट या आउटपुट डिवाइस में या माइक्रोप्रोसेसर से मेमोरी में हो रहा है उसको ये कंट्रोल करेगा। आगे चलते थोड़ा फास्ट करते हैं। इसके अलावा देखें ऑलरेडी पहले अच्छा जो आया था कि जो हार्डवेयर के बारे में बताया था ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैची होती है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कंप्यूटर की वो चीज है जिन्हें आप टच कर सकते हो वो क्या कहलाता है हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड हो गया माउस हो गया ठीक है मॉनिटर हो गया ये सब क्या आपके हार्डवेयर कहलाएगा आपका। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या है सॉफ्टवेयर को बताने से पहले हम कुछ और बताते हैं ठीक है। आगे चलते हैं देखिये अगर हम तुलना करें इसके अगर हम इंसान की तुलना कर रहे हैं कंप्यूटर से ये वही तो नहीं जो बाइक पे जा रहा है खाना खाने के लिए हेलो ये चल रहे हैं ये कौन है ये अच्छा सेम सीन जी सर हरविंदर सिंह कोई बात नहीं अच्छा देखिए हाँ तो हम इंसान की तुलना करें कंप्यूटर की तुलना करें इंसान से तो देखिए जो सबसे बड़ा जो फायदा है कंप्यूटर का वो क्या आपकी स्पीड देखिए जो कंप्यूटर के जो काम करने की स्पीड है वो क्या आपके बहुत ज्यादा ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान के चले एक इंसान को एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दे दिया जाए जो कि टिपिकल टाइप का है यानी उसमें काफी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है तो हो सकता है कि वो पूरा दिन लगा दे ठीक है लेकिन वही कंप्यूटर के जो काम है वो सेकेंडों के अंदर कर सकता है
तो पहली बात जो है कि जो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, जबकि इंसान की काम करने की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है। दूसरा जो मेन जो फायदा है आपका कंप्यूटर का वो है आपका एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर जो भी काम करेगा वो क्या करेगा 100% ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसान को मैंने बताया ना, जैसे कैलकुलेशन दे दी गई बड़ी, पूरा दिन तो लगा दिया लेकिन आउटपुट जो आई, जो आंसर आया वो गलत आया, यानी उसने गलत कर दिया। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, कंप्यूटर को जो भी आप काम दोगे वो 100% ठीक करेगा, इसमें गलती की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या, वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर्स कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, और कंप्यूटर एक ही समय में कई प्रकार के काम भी कर सकता है, दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। इसके अलावा क्या है आपका, डिलीजेंस, अनलाइक ह्यूमन थिंग्स। देखिए इसके अलावा क्या होता है, देखिए नॉर्मली क्या है कि जो इंसान है, ठीक है, इंसान थकावट महसूस करता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, उसको आराम चाहिए, और भी कई प्रकार की समस्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ही प्रकार का काम इंसान को दे दिया जाएगा तो वो बोर हो जाएगा, कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं, एक ही प्रकार का काम है पूरी जिंदगी, उससे वही काम लेते रहो बेचारे से, वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के वो काम करता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा सीक्रेसी, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस। इसके अलावा जो लॉगिन सिस्टम में जो पासवर्ड, पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके आप सीक्रेसी को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, रिलायबिलिटी, द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स अकर ओनली इफ द इनपुट रॉन्ग, ठीक है। खैर जो भी थे ये कई सारे फायदे थे जो आपने देखे, लेकिन देखे जो अभी हमने क्या बताया, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, एक तो फायदा ये है, ये जो भी काम ठीक करेगा, लेकिन ये सब के होते हुए इंसान जो आपको जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर अरे भाई सर एक मिनट, हरविंदर भाई म्यूट कर लो भाई, हरविंदर भाई माइक म्यूट कर लो, अटेंड करके छोड़ दिया करो, ठीक है, कर दिया सर अभी कर दिया, ओके कोई बात नहीं। तो देखिए ये सब के, इन सब के होते हुए भी कंप्यूटर के अंदर एक छोटे से कीड़े के बराबर भी दिमाग नहीं होता है, दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, जबकि इंसान में क्या होता है, दिमाग होता है। तो होता क्या है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो नॉर्मली होता यह है कि कंप्यूटर से अगर हमें कोई भी काम लेना है तो हमें उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, हमें उसको बताना पड़ता है कि ये काम है भैया आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर हमारे दी गई इंस्ट्रक्शन, हमारे अगर दिशा निर्देश ठीक होंगे तो आपका वो काम ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे दिए गए दिशा निर्देशों में कोई गलती होगी तब वो काम गलत होगा। लेकिन इसमें भी क्या है, कंप्यूटर की गलती नहीं है, कंप्यूटर की गलती किसकी है, उस इंस्ट्रक्शन, उस यूजर की जिसने उसको गलत इंस्ट्रक्शन दिए, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही 100% फिट है, गलती है तो किसकी गलती होगी, इंसान की गलती होगी, ठीक है। तो कंप्यूटर से अगर आपको कोई भी एक काम लेना है तो उसके लिए हमें एक आपका इंस्ट्रक्शन का एक सेट देना, जिन्हें दिशा निर्देश देने पड़ते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में। तो किसी एक काम को करवाने के जो हम दिशा निर्देश का एक सेट उसको प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन का सेट, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम, जो शुरू शुरू में भी आया था, और कई सारे जो प्रोग्रामों का ग्रुप है वो क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। कई सारे प्रोग्रामों की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ये आपका मल्टीपर्पज, हमने इसे एक ही काम नहीं लेना है, हमने इसे कई प्रकार के काम लेने हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कई सारे प्रोग्रामों का सेट होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यहाँ पे तो ना सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉमा प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू गिव कमांड टू द हार्डवेयर, हार्डवेयर को जो कमांड देने के लिए जो दिशा निर्देश है, ठीक है, उसके हिसाब से वो काम करेगा। आगे चलते हैं, इसके अलावा सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं फटाफट, ये हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा डाटा क्या चीज होती है, इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है, ठीक है। कंप्यूटर के जो इनपुट में जो देते हैं वो क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है, रॉ मटेरियल होता है, इसके प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट निकलती है वो क्या कहलाती है, आपकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास, आपके क्लास में मान लेते हैं 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चों की हाइट क्या है, अलग अलग हाइट है, कोई 5'7" 5'6" और कोई आपसे पूछे कि जो आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उसकी एवरेज हाइट क्या है,
ऐड निकालने के लिए आप क्या करोगे, सभी बच्चों की जो हाइट है उसको ऐड करोगे और 10 से डिवाइड कर दोगे, तो जो एवरेज हाइट आ गई जो पूछा गया था आपसे, आपके फिजिकल सर ने मान लेते हैं, तो वो क्या होगी, इन्फॉर्मेशन बन गई आपकी। ठीक है, तो ये है फर्क डाटा और इन्फॉर्मेशन में। प्रोसेसिंग के बनने करने बाद वो क्या कहलाएगी आपकी, इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब वगैरह इस्तेमाल करते थे। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। थर्ड जनरेशन में हम आईसी में आ गए, आईसी में इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में आपके आ गए लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह आ गए, माइक्रो प्रोसेसर प्लस चिप ऑन ए सीपीयू। और इसके अलावा फिफ्थ जनरेशन फिलहाल चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। इससे सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन है यानी कि छोटी सी चिप में ही खूब सारा आपका बहुत बड़ा सर्किट एक छोटी सी चिप के अंदर समा जाता है। आगे चलते हैं, या अगर ये आपको जानते हैं, अगर डिजिटल कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन क्या है, तो माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, मेन फ्रेम है, इसके अलावा सुपर कंप्यूटर। अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात इस्तेमाल करते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, ये इट इज ए सिंगल यूजर कंप्यूटर। यानी कि जैसे आपके घरों में जो लैपटॉप है आपको, या जो कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट्स वगैरह, ये क्या सब कहलाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। और जो मिनी कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, इट इज ए मल्टी यूजर कंप्यूटर, यानी एट ए टाइम कई सारे जो आपके जो यूजर हैं इस पर वो काम कर सकते हैं। ठीक है, कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, दे आर यूज्ड एज सेंट्रल कंप्यूटर विच इज ऑल्सो नोन एज ए क्लाउड सर्वर। अगर देखा जाए तो सर्वर, एक शब्द आ गया सर्वर। सर्वर भी क्या होता है, सिंपल एक कंप्यूटर होता है। ठीक है, सर्वर जो सर्वर और जो बाकी के कंप्यूटर हैं उनमें क्या फर्क होता है, किस जो सर्वर है वो क्या होता है, ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है बाकी क्लाइंट की अपेक्षा अगर देखा जाए तो। ठीक है, और ज्यादा शक्तिशाली का मतलब क्या है कि देखिए कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, एक उसकी कैपेसिटी और दूसरी इसकी स्पीड। ठीक है, तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह वो ज्यादा होगी सर्वर की, और इसकी जो स्पीड है, प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यही फर्क है, बाकी हल्के इसकी कॉन्फिगरेशन थोड़े अलग होती है, लेकिन बेसिक यही है आपका। इसके अलावा मेन फ्रेम कंप्यूटर वो भी आपका मल्टी यूजर आपका कंप्यूटर होता है आपका, यानी लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स टू वर्क एट द सेम टाइम, और वो मिनी से थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। और अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये क्या है, बहुत ही एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर होता है, वो एग्जीक्यूट्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एक ही सेकंड में लाखों करोड़ों और वो जो भी है इंस्ट्रक्शन को ये प्रोसेसिंग कर सकता है। नॉर्मली इसका इस्तेमाल कहाँ होता है आपका, इसका इस्तेमाल होता है वेदर फोरकास्टिंग, जो मौसम का जो फोरकास्टिंग होती है उसके बारे में न्यूक्लियर रिसर्च, मिलिट्री एजेंसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, इनमें सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल इसके अलावा वहाँ पे भी करते हैं, फिल्में बनाने में, जैसे जुरासिक पार्क वगैरह जैसी फिल्में, इसमें आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो वहाँ पे आप सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अच्छा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, हम आपको ये नहीं बताएंगे कहाँ का इस्तेमाल करते हैं, हम सिर्फ आपसे ये, अगर हम आपसे ये पूछें कि ऐसी कौन सी जगह जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होते, तो कोई एक आंसर टेनिस में से, ऐसी कौन सी जगह जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, टेनिस बताएंगे कोई? यस सर, खाना बनाने में सर। हाँ जी कंप्यूटर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई जगह ऐसी सर माइंड में तो आ नहीं रही, ऐसी कोई है क्या? देखिए जहाँ पे खाद बनती है वहाँ पे भी है, तो जो मशीनें हैं बड़ी बड़ी कंप्यूटराइज कंट्रोल है, ठीक है, जो बीज का जो प्रोसेसिंग होती है मॉडिफाई कर रहे हैं वहाँ पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, कोई एक तो जगह हो गया सर। सर जेल में, जेल में सर, एग्रीकल्चर में, जेल में,
होता है सर, कंप्यूटर आई हो जी यार, जेल में जैसे मैं जेलर हूँ ना, हेलो, सबसे पहले तो मैं उनका देखिए उनका बायो डाटा रखूंगा, स्कैन करूंगा अपने आंखों के, स्कैन करूंगा, वीडियो बनती है सर। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन में, अच्छा पालने में, हाँ ठीक है चलो मान लेते हैं, हाँ ठीक है चलो मान लेते हैं, कुछ फील्ड होंगे ऐसे। हेलो कहाँ पे फार्मिंग, फार्मिंग आवाज नहीं आ रही, बताना सर फार्मिंग क्या चीज है ये, फार्मिंग, फार्मिंग कह रहे हैं, फार्मिंग, फार्मिंग खेती, खेती स्विमिंग में, फार्मिंग खेती, फार्मिंग बार बार पता होती है योज। चलो ठीक है मान के चलते हैं, ठीक है हम इसमें इस्तेमाल डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मान के चलते हैं कुछ फील्ड होंगे जहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे हमारी जो आजकल घरों की जो लेडीज है वो अच्छे अच्छे पकवान बना लेती है, ठीक है, जो कि उनको पहले नहीं आते थे, लेकिन वो किसकी सहायता से बना रही है, YouTube पे वो देखते रहते हैं, इंटरनेट के साथ, हाँ सर, हाँ YouTube पे, Instagram, YouTube, हाँ, तो आपको वो अच्छे अच्छे पकवान मिलते रहते हैं, ठीक है, तो वो पकवान भी जो बना रही है वो खाना, ठीक है, रोटी तो क्या सीख लेती है बचपन में, लेकिन जो अलग अलग डिशेज जो बना रही है आजकल लेडीज घरों में, वो क्या है यूट्यूब की सहायता से, यूट्यूब क्या है एक तरह से कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे। यार आगे चलते हैं, ये मान लीजिए लगभग हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, आगे चलते हैं, इसके अलावा बार बार नहीं करता नाई, हाँ जी सर, नाई नहीं करता काम बार बार वो, अरे आजकल तो ऐड बैड होते हैं, ट्रिमर यूज होता है यार, ट्रिमर, ट्रिमर यूज होता है वहां भी, नहीं ट्रिमर नहीं, जो ट्रिमर तो एक टेक्नोलॉजी है, वो तो मशीन है, वो तो जो नहीं नहीं, ऐसी चीज है ना जो आज से 60-70 साल पहले से चल रही है उनमें तो आजकल भी होता है, मतलब चलो इसके बारे में बाद में डिस्कस, हेलो जो ट्रेनिंग सेंटर में आओगे तब डिस्कस करेंगे, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, आगे चलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, देखिए हमने आपको क्या बताया था, देखिए सीपीयू बताया था, यानी सीपीयू की जगह क्या था, माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट था, और ये रजिस्टर था सिर्फ, और हमने क्या दिखा था, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, और हमने दिखाया था आपका मेमोरी, ऐसे दिखाया था ना ये मेमोरी साथ में, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक मेमोरी और आ गई आपकी, वो क्या आपका सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो फिलहाल थोड़ा सा मेमोरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि मेमोरीज कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, ठीक है। अच्छा मेमोरी की अगर हायरार्की देखोगे तो आपको पता ही होगा, हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, कैशे होती है, रजिस्टर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो देखिये जो हार्ड डिस्क है आपका, हार्ड डिस्क ये क्या आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है आपके, ठीक है। यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम लार्ज अमाउंट में अगर डाटा स्टोर करना है तो आप इसमें करते हो, सेकेंडरी मेमोरी में इस्तेमाल करते हो। और इसके अलावा जो कंप्यूटर है, जो भी आपकी जो नॉर्मली जो आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हो वो नॉर्मली किसमें इस्तेमाल होता है, आपका रैम के अंदर, और रैम से किसमें जाता है, कैशे मेमोरी में, कैशे से रजिस्टर में, और जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डायरेक्टली किसको डील करता है, किस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को डील करता है, जो रजिस्टर्स के अंदर होती है, इसके हिसाब से वो जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है आपका जो प्रोसेसिंग है वो की जाती है। तो रजिस्टर को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, रैम से मिलती है, रैम और रजिस्टर्स के बीच में क्या होता है, कैशे मेमोरी होती है। कैशे मेमोरी कौन सी होती है आपके, इसमें वो डाटा रखा होता है जो इस कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर को फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है, ठीक है, ताकि यहाँ से अगर डाटा लेगा तो उसको उस तरह की ज्यादा टाइम लग जाए तो स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो कैशे मेमोरी का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके देखिए जो स्पीड अगर आप देखोगे इसकी लो है, इसकी एक्सेस स्पीड के इसकी लो है, इसकी क्या आपका सबसे हाई इसकी होगी, और अगर आप इसके मेमोरी की कैपेसिटी देखेंगे तो रजिस्टर की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे कम होती है, कैसे कि उससे थोड़ी ज्यादा है, इसके उससे ज्यादा, और उसकी हार्ड डिस्क की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, रजिस्टर्स, दिस आर स्पेशल पर्पज एंड हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी, ये क्या आपका स्पेशल पर्पज के लिए होगी, माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक जुड़ी होती है आपकी ये, और ये क्या होता है काफी हाई स्पीड मेमोरी होती है, और मेमोरी कैसी होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है। टेम्पररी मेमोरी का मतलब कि अगर आप कंप्यूटर को ऑफ कर देते हो, ठीक है, तो इसके अंदर का जो डाटा है वो सब वॉश आउट हो जाता है,
रजिस्टर्स शेयर पार्ट ऑफ द सीपीयू, ठीक है, या ये कह लीजिए सीपीयू का ही पार्ट है आपका, ये जो रजिस्टर्स है आपका, दे हैव द लीस्ट कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, स्टोरिंग एक्सट्रीमली लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बहुत ही कम इंस्ट्रक्शंस को ये आपका स्टोर करता है, एंड डाटा ओनली इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग करने से पहले और बाद में, ठीक है, जो आपको जो डाटा चाहिए वो इसके अंदर रखा होता है, ठीक है, आपने 2+4 किया, ठीक है, तो 2 और 4, ठीक है, वो इसके अंदर रखा हुआ, और जो एडिशन के जो इन्फॉर्मेशन है प्लस के ऐड करना है ये इसके अंदर रखा हुआ, ठीक है, वही रखा हुआ, इसके ज़्यादा नहीं रखा हुआ, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ रखी होगी, रैम में रखी होगी, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द नंबर एंड साइज ऑफ द रजिस्टर्स वेरी फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर, ये प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी करते हैं। इसके अलावा कैश मेमोरी, इट इज स्टोरेज बफर दैट स्टोर्स द डाटा विच इज यूज मोर ऑफन, नॉर्मली जो फ्रिक्वेंटली जो डाटा चाहिए होता है जो आप माइक्रो प्रोसेसर को, वो इसके अंदर रखा होता है। टेम्परेरी मेमोरी आपका, एंड मेक्स देम अवेलेबल टू सीपीयू एट ए फास्ट रेट, और ये क्या काम करता है, सीपीयू को फास्ट हाई स्पीड से ये डाटा अवेलेबल करवाता है। अगर वो रैम से लेगा तो हो सकता है उसको ज्यादा टाइम लगे, लेकिन कैशे मेमोरी से क्या है कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है। कैशे मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड इन बिटवीन रैम एंड सीपीयू, रैम और सीपीयू के ये बीच में रखे जाते हैं। इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड डाटा चाहिए होता है वो उसको तुरंत प्रोवाइड कर देता है। कैशे मेमोरी इज वेरी एक्सपेंसिव, ये क्या होता है, काफी एक्सपेंसिव होती है, सो इट इज ए स्मॉलर इन साइज में स्मॉल होती है। जनरली कंप्यूटर्स हैविंग कैशे मेमोरी ऑफ साइज 256 KB टू 2 MB, 2 MB होता है 2 MB या 256 KB, बी का मतलब यहाँ पे क्या है, बाइट, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि जो स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो किससे डाउनलोड करते हैं, उसके लिए हम बाइट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जो आपका जो कम्युनिकेशन लिंक होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन लिंक, उसकी जो कैपेसिटी है उसका हम किस चीज से डाउनलोड करते हैं, बिट्स पर सेकेंड, जैसे मेगाबिट पर सेकेंड, टेराबिट्स पर सेकेंड। तो जो चैनल कम्युनिकेशन लिंक है आपका, उसके जो चैनल की कैपेसिटी है वो बिट्स पर सेकेंड से, जबकि जो मेमोरी है उसकी कैपेसिटी के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, बाइट शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या, प्राइमरी मेमोरी जो आपने डायग्राम में देखा था, रजिस्टर्स के बाद क्या था आपका, प्राइमरी मेमोरी क्या, इंक्लूड्स रोम एंड रैम एंड इज लोकेटेड क्लोज टू द सीपीयू ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड, कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है। अच्छा, ये मदरबोर्ड एक शब्द आ गया, मदरबोर्ड क्या काम करता है, कोई सारे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। देखिए, मदरबोर्ड कहीं भी लगाओ, चाहे कंप्यूटर में लगाओ, चाहे ऑप्टिकल फाइबर जो आपका एसटीएम इक्विपमेंट है, चाहे एक्सचेंज है, कहीं भी लगाओ, मदरबोर्ड का एक ही काम है कि जो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं किसी सिस्टम के, उनके बीच में ये इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं या उन सबको आपस में जोड़ता है ताकि वो एक सिस्टम की तरह काम कर सके, ठीक है। द प्राइमरी मेमोरी अलाउज द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा फॉर इमीडिएट मैनिपुलेशन एंड कीप्स ट्रैक व्हाट इज करंटली बीइंग प्रोसेस्ड, ठीक है, रैम होगा और रोम होगा। इसके अलावा क्या आता है आपका, सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन यार कंप्यूटर चलो थोड़ा माउस पर कर रहे हैं तो पीछे लेके जाता है आपको, दिखा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, सेकेंडरी मेमोरी का वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आपको स्टोर करना है। बाय कंट्रास्ट इज यूजली फिजिकली लोकेटेड विद इन ए सेपरेट स्टोरेज डिवाइस, सेपरेट स्टोरेज डिवाइस में ये होता है आपका, सच एज ए हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। आजकल सॉलिड स्टेट ड्राइव्स भी आ रहे हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव अच्छे होते हैं या हार्ड डिस्क ड्राइव अच्छी होती है, कौन बताएगा सर? SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हाँ, सॉलिड स्टेट, लेकिन ये क्या आजकल बड़े महंगे हैं और इसके कम महंगे तो कम कैपेसिटी में भी, लेकिन ये आजकल ये लेटेस्ट है आपका ये, तो अगर आप सर इनकी रीड स्पीड बहुत तेज होती है। देखिए फिर मैं बात करते हैं, देखिए रीड राइट दोनों बढ़िया है। तो देखिए आने वाले टाइम में अगर मान लेते हैं भविष्य में कंप्यूटर लेते हो तो कोशिश करोगे सॉलिड स्टेट ड्राइव का ही आप उसमें होनी चाहिए। हार्ड डिस्क ड्राइव में कुछ पंगे तो हैं क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव मैकेनिकल होती है, SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए कई बार वो खराब भी हो जाती है। कई बार आपका पता सारा डाटा और हार्ड डिस्क खराब हो गया आपके, ऐसा होता है ना कई बार, और सारा आपका डाटा खत्म, मान लेता है आपने फोटो वोटो खींची है, बच्चों की फोटो खींची है, घर वालों की फोटो है, सब वो चली जाती है। बाकी देखते हैं
कभी हम इस्तेमाल करेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव, इच्छा तो है कि कंप्यूटर खरीदेंगे कभी और उसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव लेंगे। सब तो सर अब तो आने लगी, मतलब अपने रेंज में 2500 1500-1600 में आ जाती है, 1500 से 2000 आती है ना, लेकिन पूरा कंप्यूटर महंगा आता है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि पैसे जुड़े तो हम कंप्यूटर लेंगे। सर पुराने में भी लगा सकते हैं, पुराने में भी लग जाएगा अपने पार्ट्स, नहीं पुराना तो है नहीं हमारे पास, पुराना तो है नहीं सर, अपने पार्ट्स लेके खुद असेंबल कर लो, बहुत इजी है। हाँ चलो देखेंगे, क्या बताएं, चलो खैर देखते हैं, कोशिश करेंगे कंप्यूटर खरीदने की विच इज कनेक्टेड। नहीं सर, हाँ जी हाँ जी सर, अब तो मतलब जो इंटेल की नई आई वो सस्ती आई है सर, काफी ज्यादा। अच्छा अच्छा, लेकिन देखे 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 सस्ता और महंगा तो कंपेरेटिव चीज है ना, देखिए हो सकता है कि कुछ चीजें आपके लिए भाई सर, एक एक मिनट भाई, इंटेल का जो 8th जनरेशन प्रोसेसर है ना, तो उसने इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड दिया है, 9th का प्रोसेसर बहुत सस्ता है, हमें 6000 का मार्जिन है। अच्छा सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात, मेमोरी नहीं वो सर, पीसी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, पीसी बनाने की बात कर रहे हैं सर। सही है सही है सही है सही है, चलो ठीक है, क्या देखते हैं इसका। अच्छा बहुत, द कॉस्ट पर गीगाबाइट ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी इज मच लोअर बट द रीड एंड राइट स्पीड आर सिग्निफिकेंटली लोअर। देखिए अगेन फिर बता रहे हैं, कंप्यूटर में दो चीजें, एक स्पीड एंड कैपेसिटी, ठीक है। अगर दोनों ही, अगर आपको स्पीड भी ज्यादा चाहिए और कैपेसिटी भी ज्यादा चाहिए, तो वो चीज 100% महंगी मिलेगी आपको। इवनली जैसे अगर आप पेन ड्राइव भी लेते हो, ठीक है, मान लेते हैं पेन ड्राइव ले लिया आपने, कितने कितने उसके लोगे आप, 8GB की मान लेते हैं, ले लेते हैं 8GB की पेन ड्राइव आएगी 350 की आ जाएगी, 450 की आ जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों में फर्क होगा स्पीड का, जो एक्सेस करने की जो स्पीड होगी, डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड क्या होगी, वो भी अलग अलग होती है। तो दोनों चीजें ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा कंप्यूटर लेते समय, एक कैपेसिटी, दूसरा आपका स्पीड। स्पीड भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, उसी से क्या है कि रेट बड़े अप डाउन चलते हैं, सस्ता जो स्पीड कम होगी तो रेट सस्ता होगा और स्पीड हाई होगी तो रेट बढ़ जाता है काफी, ठीक है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है ना, ये प्राइमरी है आपका, रैम और रोम है आपका, फिर ये सेकेंडरी मेमोरी दिखा रखी है, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, वो तो खत्म हो गया आज, ठीक है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर कंप्यूटर में भी काफी पुराने लगे थे, उसमें है भी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, लेकिन फ्लॉपियाँ नहीं मिलेंगी आपको। अच्छा, ऑफलाइन स्टोरेज क्या है, DVD हो गया आपका, CD का हम इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, DVD का, CD की कैपेसिटी कम होती है, DVD की उससे ज्यादा होती है आपका। इसके अलावा ब्लू रे डिस्क भी आ रही है आपका, USB मेमोरी स्टिक या फ्लैश मेमोरी, रिमूवेबल हार्ड ड्राइव, ठीक है, ये सारे आपके मेमोरी हैं नॉर्मली जो हम इस्तेमाल करते हैं। आगे टेनिस टाइम बता देना बीच बीच में सर, 10:30 हो गया, 10:30 बस 5-10 मिनट, ठीक है ना। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करते हैं तो रैम, ऑलरेडी पहले डायग्राम में आपने देखा रैम, इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, हियर डाटा कैन बी स्टोर्ड टेम्पररीली, सो दिस पेज दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड टेम्पररी। जो रैम है वो क्या होगी, टेम्पररी मेमोरी होगी, या फिर क्या कहते हैं इसको, वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज जब भी पावर सप्लाई ऑफ होगी आपका कंप्यूटर को आप बंद करोगे, इसके अंदर का डाटा सर वॉश आउट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक है। और अगर एस टाइप ऑफ मेमोरी है, टाइप ऑफ अगर रैम की बात करते हैं तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टैटिक वाली होगी, दूसरा क्या आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जब हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको कंप्यूटर के बारे में बताया, नहीं कंडेंसर के बारे में बताया था, ठीक है, तो कंडेंसर का इस्तेमाल आपका मेमोरी में भी इस्तेमाल होता है। कंडेंसर है आपका, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, मेमोरी को बनाने के लिए भी किया जाता है। तो जो नॉर्मली जो डायनेमिक, आई थिंक जो डायनेमिक रैम में हो रही है, इसमें कंडेंसर का इस्तेमाल होता है, यानी कंडेंसर जब चार्ज है तो 1 है, जब चार्ज डिस्चार्ज कंडीशन में तो वो क्या है, 0, इस तरह का कुछ होता है इसको। आगे चलते हैं, रोम, रोम में आजकल क्या चल रहा है, आजकल रोम में तो हालात बुरे चल रहे हैं। इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, इन दिस द डाटा विल बी फर्निश्ड। अच्छा, इसमें नॉर्मली क्या, देखिए जो आपका जो मेन, देखिए किसके बारे में बता रहे हैं, मेन मेमोरी के बारे में बता रहे हैं, एक रैम होते है एक रोम। तो रोम में क्या होता है, नॉर्मली क्या लिखा होता है इसमें, मैन्युफैक्चर, ये डाटा जो इसके अंदर जो लिखा होता है वो किसके बारे में, इसके द्वारा लिखा होता है, मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर वो लिखता है इसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो भी आपको, ये इंस्ट्रक्शन कौन सी होती है, सो दिस इन्फॉर्मेशन कैन सिंपली बी रीड बाय द यूजर बट कैन नॉट बी
एंड न्यू डाटा और द इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी इसके अंदर जो डाटा है वो यूजर पढ़ तो सकता है लेकिन इसके अंदर कोई आपका चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, कंप्यूटर जिस उसके बेस पे काम करेगा, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है, मेन वो इसी के अंदर लिखी होती है। अगर टाइप ऑफ रोम की बात करते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। फुल फॉर्म में शायद कभी पूछा जाए जो भी, EEPROM, ठीक है, इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे चलते हैं, फटाफट चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी ऑलरेडी बता चुके हैं, डिवाइस इंक्लूड मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, ड्राइव, ऑप्टिकल, सीडी एंड डीवीडी, ब्लू रेस वगैरह ऑलरेडी हो चुका है आपका। बिट बाइट मेगाबाइट ये क्या चीज होती है ये आपको बता चुके हैं। बिट क्या है, बाइनरी डिजिटल जीरो या वन, बाइट एक बाइट में 8 बिट होती है, ठीक है, और किलो बाइट में 10^10, और एक मेगा बाइट में 1024 किलो बाइट, इसका ऐसे आप देख लेना, ठीक है इसका। अच्छा, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या चीज होती है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या इनपुट डिवाइस आती है, आउटपुट डिवाइस आती है। इनपुट डिवाइस में क्या होगा, आपने देखा होगा कीबोर्ड है, ठीक है, माउस है, आप इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड का भी, माउस भी आपने देखा होगा। इसके अलावा जॉयस्टिक बच्चे खेलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, ठीक है, हमारे बच्चे भी कह रहे हैं लेकिन हमने आज तक दिलाया नहीं, ठीक है, फिर गेमें खेलते रहेंगे, वो जॉयस्टिक नहीं होती तब भी वो खेलते रहते हैं। स्कैनर है, स्कैनर, ठीक है, स्कैनर के बारे में बताने की जरूरत है, ऑलरेडी आप जानते हैं। स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस विच वर्क मोर लाइक है फोटोकॉपी, फोटोकॉपी मशीन की तरह ये काम करते हैं। इट इज यूज व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन पेपर, यानी आपके पेपर को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर आप इसको कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में या कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर पेज रखोगे, इसको स्कैन करेगा, इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर वो कर देगा। इसके अलावा जो माइक्रोफोन है वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा मैग्नेटिक कार्ड रीडर आते हैं आपके, ये जैसे आपने बैंकों में देखा होगा जो चेक वगैरह उसको चेक करने के लिए, ठीक है, तो बार कोड रीडर ये आपके हैं, इनपुट डिवाइस है आपके ये भी। इसके अलावा क्या आपका बायोमेट्रिक डिवाइस चल रहे हैं आजकल, ठीक है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक स्टैप कार्ड रीडर, ठीक है, ये आप देखते होंगे इस्तेमाल करते हैं, ये सब क्या आपका इनपुट डिवाइस। अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। नॉर्मली क्या होता है आपका मॉनिटर है, मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं आउटपुट डिवाइस के लिए। पहले सीआरटी के आते हैं, कैथोड ट्यूब टाइप के आते हैं ये आपके। इसके अलावा आज करते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इस तरह के आपके मॉनिटर आपको आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या आपका देखा जाए तो प्रिंटर्स, प्रिंटर्स में क्या आउटपुट डिवाइस है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स, ठीक है। इसके अलावा एलसीडी प्रोजेक्टर है, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन अगर आप उसको बड़े पर्दे पे फ्लैट स्क्रीन पे बड़ा करके दिखाना चाहते हैं तो एलसीडी प्रोजेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर अगर दो प्रकार के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका, दूसरा क्या आपका ऑपरेटिंग, दूसरा क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा आप ऐसे मान के चलिए, देखिए दो मिनट की बात है, देखिए अगर देखिए अगर आप कंप्यूटर लेते हो, अगर आप कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दें, ठीक है, जब कनेक्ट कर देते हैं तब भी वो क्या है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, एक तरह से वो क्या है कलपुर्जों का ढेर है, कुछ भी नहीं है, वो बेकार है। लेकिन जब हम इसके अंदर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में थोड़ा अलग है, कंपाइलर्स आ जाते हैं, इंटरप्रेटर, असेंबलर्स। अरे भैया शांत हो जाओ, दो मिनट के बाद शांत। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कह लीजिए या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, हालांकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर आप पढ़ोगे तो यूटिलिटी प्रोग्राम भी होते हैं जो कि, ठीक है, लेकिन फिलहाल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात है, तो इसमें क्या कीजिए, हमने कंप्यूटर को असेंबल कर लिया, ठीक है, आपस में कनेक्ट कर लिया, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस जो भी है, तब भी ये आपका काम करने के लायक नहीं रहता है, ठीक है। काम करने के लायक कब बनता है, जब हम इसके अंदर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, जब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो कंप्यूटर काम करने के लायक बन जाता है। आप ऐसे मानते जैसे हमारे शरीर है, इंसान का शरीर, तो इसके अंदर से अगर आत्मा निकाली जाए, जैसा कि कहते हैं हमारे, ठीक है, ऋषि मुनि जो भी, आत्मा निकाली जाए तो ये क्या है, मिट्टी का ढेर, ठीक है। अगर इसके अंदर आत्मा डाली जाए तो ये काम करने के लायक बन जाता है, ठीक। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जब हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो वो काम करने के लायक बन जाता है, ठीक है।
लेकिन काम करने के लायक बन जाने के बाद समस्या खत्म नहीं होती है। काम करने के लायक तो बना है, लेकिन फिर हमें क्या करना है, इससे काम लेना है। इससे काम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर समस्या आ जाती है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, वो केवल बाइनरी की भाषा समझता है। और एक आम यूजर होता है, उसको बाइनरी की भाषा नहीं आती है, या इसको कमांड देना नहीं आता है, इसको कैसे कमांड दिया है, क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट में नॉर्मली एक आम इंसान को, एक आम यूजर को कंप्यूटर से नॉर्मली जो जो काम चाहिए होते हैं, जिन जिन कामों की जरूरत पड़ती है, उनके लिए मार्केट में बने बनाए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अलग अलग प्रकार के काम के लिए मार्केट में अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप वो जैसा आपको काम लेना है वैसा सॉफ्टवेयर खरीदिए, कंप्यूटर में डालिए और वैसा आप काम ले सकते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज है आपका, ठीक है, विंडोज कौन कौन से चल रहे हैं, विंडोज 2007 2008, ये सब क्या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, या लिनक्स हो गया। इसके अलावा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस क्या है, कई सारे प्रोग्रामों का, कई सारे सॉफ्टवेयर का ग्रुप है, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ईमेल, इंटरनेट एप्लीकेशन, ये कह लीजिए कि आपके पास जो मोबाइल है उसमें जो एंड्रॉयड का मोबाइल फोन है, तो एंड्रॉयड तो हो गया ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इसके अलावा आपने जो भी कुछ डाला स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो क्या आपके ऐप से डाले होते हैं आप अलग अलग कामों के लिए, तो ये क्या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो टेनिस तो अलग अलग कामों के लिए हम अलग अलग प्रकार के हम एप्लीकेशन डाल देते हैं। तो अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे, बस वर्ड प्रोसेसिंग है, जो वर्ड को प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, जिससे आप लेटर वगैरह ले सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, डायरेक्ट आपको बताएंगे कैसे कैसे खोलना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। जो आज पढ़ाएंगे इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो बताइए, बाकी ये हम आपको जो ये स्लाइड्स हैं आपके पीपीटी, ये हम आपको उसमें डाल देंगे, साइड पे डाल देते हैं, ठीक है ना जी सर। एक काम करना ना, जो एक तो हमने बता दिया है, इसके अलावा इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ने के बाद अगर कुछ समझ में ना आए, ठीक है, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ठीक है ना, इतना ही कंप्यूटर के महत्व को समझना है आपने, ठीक है। यस जी सर, कोई डाउट हो तो बताइए, फिर खत्म करते हैं। और कल तो हम वहाँ पे जाएंगे, हम ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे कल तो, ठीक है, कल तो मेरी क्लास नहीं है, परसों मिलेंगे हम आपसे। जी सर, ठीक है, यस सर, तो मन किया जाए, यस सर, जी सर, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।